सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर हर दिन कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। सुशांत केस को सीबीआई टीम के हाथों में सौंप दिया गया है। इस बीच सीबीआई की टीम लगातार इस केस से जुड़े हुए लोगों से पूछताछ करने में जुटी हुई है। वहीं सुशांत केस में जो भी शक के घेरे में नजर आ रहा है उससे लंबी पूछताछ भी की जा रही है। वहीं इसी बीच सुशांत के गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती से बीते 4 दिनों से लगातार पूछताछ जारी है और आज रिया चक्रवर्ती की पूछताछ का 5वां दिन है। बीते 4 दिनों में रिया चक्रवर्ती को लेकर कई बड़े खुलासे हुए हैं, तो वहीं अब तक रिया चक्रवर्ती से 35 घंटे की पूछताछ भी की जा चुकी है। इस बीच रिया चक्रवर्ती असहज महसूस करती हुई भी नजर आई, तो वहीं रिया चक्रवर्ती भड़कती हुई भी नजर आई। जानकारी के लिए आपको बता दें कि सीबीआई जांच का आज 12वां दिन है और आज 12वें दिन भी कई बड़े खुलासे होने वाले हैं। जानकारी के लिए दोस्तों आपको बता दें कि आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं रिया चक्रवर्ती के हाव भाव के बारे में कि आखिरकार जब सीबीआई की टीम उसे सवाल कर रही थी तब रिया चक्रवर्ती की हालत कैसी थी, रिया चक्रवर्ती से कितने घंटे पूछताछ हुई और इस बीच रिया चक्रवर्ती ने किस तरीके से जवाब दिए। जानकारी के लिए दोस्तों आपको बता दें कि 11वें दिन रिया चक्रवर्ती डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंची और सीबीआई ने इस मामले में रिया चक्रवर्ती से करीब 9 घंटे की पूछताछ की थी। सीबीआई की टीम ने रिया चक्रवर्ती से कई सवाल किए थे और इस दौरान देखा जाए तो पहले दिन 10 घंटे पूछताछ की गई थी, वहीं दूसरे दिन 7 घंटे लेकिन तीसरे दिन 9 घंटे रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की गई थी। इस बीच देखा जाए तो 11वें दिन यानि कि रिया चक्रवर्ती की पूछताछ के 4थे दिन उनसे 9 घंटे पूछताछ की गई और इस बीच रिया से कई सवाल भी पूछे गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक दावा किया जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती लगातार रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी दावा किया जा रहा है कि सीबीआई लगातार एक ही तरह के सवाल रिया चक्रवर्ती से कर रही है। वहीं इस दौरान रिया के चेहरे के हाव-भाव यानी कि फेस एनालिसिस रिकॉर्ड करने की बातें भी सामने आई हैं। जब रिया चक्रवर्ती से ड्रग्स से जुड़े सवाल किए जा रहे हैं उस दौरान रिया चक्रवर्ती असहज महसूस कर रही थी। वहीं साथ ही साथ आपको बता दें कि सीबीआई जांच की टीम लगातार रिया चक्रवर्ती से कई सवाल पूछती हुई नजर आ रही है। इस बीच जानकारी के लिए आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती मुंबई के सांताक्रूज पुलिस स्टेशन पहुंची और साथ ही साथ यहां पर यह भी सामने आया कि इस दौरान रिया चक्रवर्ती काफी परेशान भी नजर आई। दरअसल आपको बता दें कि रिया के मुताबिक सामने आया है कि उनके घर वालों को मीडिया काफी परेशान कर रही है और इसके चलते रिया चक्रवर्ती काफी परेशान है। रिया ने मीडिया के खिलाफ लिखित शिकायत भी की थी और इसके बाद रिया को पुलिस प्रोटेक्शन भी दिया गया है। वही रिया चक्रवर्ती काफी असहज भी महसूस कर रही है। पूछताछ के दौरान रिया काफी परेशान नजर आई, तो वहीं रिया चक्रवर्ती मीडिया से भी परेशान हो चुकी हैं। इस बीच देखा जाए तो रिया चक्रवर्ती से आज फिर से सीबीआई सवाल पूछने वाली है और आज फिर से कई बड़े खुलासे भी होने वाले हैं। हमारी इस खास रिपोर्ट में दर्शकों इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।